हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। वीडियो के प्रारंभ में ही आपको सूचना देना चाहता हूं कि रिलायंस निपॉन लाइफ के स्मार्ट जिंदगी प्लस पॉलिसी का ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने इस प्लान के सारे बेनिफिट को उदाहरण के साथ समझाया हुआ है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें, आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में वीडियो के एंड कार्ड में इसकी डिटेल मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी किस कंडीशन में होगी और उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। सरेंडर अगर हम करेंगे तो किस तरीके से सरेंडर वैल्यू निकालेंगे, लोन को लेके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, एक्सेट्रा। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि सब कुछ उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें क्योंकि चैनल पे हर एक वीडियो आपके सुझाव और प्रश्न के अनुसार होती है। अगर ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आपको वीडियो समय पे मिल जाएंगी। फर्स्ट पार्ट में हमने उदाहरण लिया था श्रीमान ए का, जिनकी उम्र 35 साल है। प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया था 10 साल का और 8.74% की दर से यहाँ पे प्रीमियम रेट था। अब प्लान में 85 साल की उम्र तक कवर रहता है, तो इस वजह से जो पॉलिसी टर्म है वो 50 साल का हो जाता है। और सम अशोर्ड हमने लिया था 10 लाख रुपए का, तो सालाना जो प्रीमियम बैठ रहा था वो बैठ रहा था हमारा 87,470 रुपए का। अब जब भी हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं तो ये कंडीशन कभी ना कभी सभी फेस कर ही जाते हैं अधिकतर। जैसे कि श्रीमान ए यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि वो पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करा लें या सरेंडर कर लें या लोन के लिए अप्लाई कर लें, फाइनेंशियल इशू यहाँ पर आ गया। तो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी को लेकर कंडीशन होती है कि अगर आपने पहले 2 साल पूरे प्रीमियम टाइम पे कर लिया है, उसके बाद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस केस में अगर हमें बेनिफिट जानने की क्या क्या मिल सकते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले पेड अप फैक्टर को जानना होगा। पेड अप फैक्टर इज इक्वल टू जितने साल प्रीमियम पे किया उसको हम भाग दे देंगे जितने साल प्रीमियम पे करना था प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान। अब प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान ऑब्वियस सी बात है जितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा उतने साल ही हम प्रीमियम पे करेंगे। तो 3 साल यहाँ पे श्रीमान ए ने प्रीमियम पे किया तो 3 को हम भाग दे देंगे 10 से, तो 0.3 यहाँ पे पेड अप फैक्टर निकल के आ जाएगा। अब श्रीमान ए बोल रहे हैं अगर मान लो 85 साल तक मैं जी गया तो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के केस में सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी क्या होगा, तो ऐसे में जो सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी है उसमें हम गुणा कर देंगे पेड अप फैक्टर का, तो पेड अप सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी निकल के आ जाएगा। बेसिक सम अशोर्ड जो इस प्लान में हमने लिया था वो 10 लाख का था, उसमें हम 0.3 का गुणा कर देंगे तो 3 लाख रुपए का पेड अप सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी आ जाएगा। ठीक है, अब मैच्योरिटी की बात हो गई तो इसके साथ में डेथ केस में क्या सम अशोर्ड मिलेगा अगर रिड्यूस पेड अप पॉलिसी है, तो अगेन क्या करेंगे जो सम अशोर्ड ऑन जो डेथ है उसमें हम पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे पेड अप सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी जानने के लिए। अब डेथ बेनिफिट में अगर आपको याद हो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक सम अशोर्ड है जो कि हमारा 10 लाख रुपए का है या फिर जितना सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 11 गुना, दोनों में से जो हाई होता है वो सम अशोर्ड ऑन डेथ हो जाता है। तो इस केस में हमारा 10 लाख रुपए सम अशोर्ड ऑन डेथ हो गया, पेड अप फैक्टर हमारा 0.3 है ही, इसका हम 10 लाख में गुणा कर देंगे तो 3 लाख रुपए का हमारा सम अशोर्ड ऑन डेथ आ जाएगा। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि दोनों ही कंडीशन में मैच्योरिटी में भी और डेथ केस में भी जो पेड अप सम अशोर्ड होगा वो 3 लाख रुपए का हमारा होगा अगर 10 लाख का बेसिक सम अशोर्ड हमने लिया है तो, जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके अनुसार। अब ऐसे में मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए पेड अप सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी राइट। अब चाहे आपने डेफर्ड इनकम वेरियंट लिया हो चाहे आपने इमीडिएट इनकम वेरिएंट मतलब इनकम ऑप्शन चुना हो इमीडिएट या डेफर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रिड्यूस पेड अप पॉलिसी है तो सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी मिस श्रीमान ए को यहाँ पे 3 लाख रुपए। टर्मिनल बोनस जो होता है वो कंपनी ही बता पाती है, वैसे भी इस प्लान का मेरे को ट्रैक रिकॉर्ड इतना क्लियर मिला नहीं है टर्मिनल बोनस के बारे में। या फिर अटैच्ड पेड अप एडिशन, अब ये अटैच्ड पेड अप एडिशन जब बनता है जैसे कि डेफर्ड इनकम में हमें क्या मिलता है कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस जो कि अक्योर्ड होता रहता है, अगर हम उसको ना लें और बोल दें कि इसको पेड अप एडिशन में कन्वर्ट कर दो तो वो डेथ केस में या फिर सरेंडर के केस में या मैच्योरिटी केस में ही मिलता है। इमीडिएट इनकम ऑप्शन में भी हमें ये ऑप्शन रहता है, लेकिन रिड्यूस पेड अप पॉलिसी जब बन जाती है तो हमें कैश बोनस मिलना बंद हो जाता है उसी क्षण से जिस क्षण से हमारी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट क्या होगा। मान लीजिए इमीडिएट इनकम वेरिएंट लिया है तो यहाँ पे क्या लिखा है कैश बोनस ऑन अटैच्ड PUA मतलब पेड अप एडिशन। तो श्रीमान ए ने मान लो इमीडिएट इनकम ऑप्शन यहाँ पे लेके चल रहे हैं और पेड अप एडिशन उन्होंने अक्वायर्ड किया प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए। पेड अप एडिशन क्या है, कैश बोनस जो मिल रहा होगा लगातार वो आगे चल के पेड अप एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 साल ही यहाँ पे प्रीमियम पे किया है तो 3 साल में अगर बोनस अगर हम 3% का रेट मान लें तो 10 का
3% निकालेंगे और उसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये 90,000 हो जाएगा। अब 90,000 को हमें पेड अप एडिशन में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें पेड अप एडिशन कन्वर्जन फैक्टर जो कि 1.51 है 35 साल की उम्र के अनुसार, उसको हम गुणा कर देंगे 90,000 में। अब अगर आप ये सोच रहे हैं ये फैक्टर की डिटेल कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी पूरी पीडीएफ। तो 90,000 में गुणा कर देंगे तो 135,900 यहाँ पे अमाउंट बन जाएगा। अब इसके ऊपर जो कैश बोनस होगा वो श्रीमान ए को सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलेगा जब तक पॉलिसी चलती रहेगी, तब तक जब तक वो चलाएंगे इसको, मतलब पूरे पॉलिसी टेन्योर तक। मान लें 3% का अगर बोनस का रेट मान लें तो 135,900 का 3% निकालेंगे तो 4,077 रुपये इनको थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म मिलता रहेगा। अब मान लीजिए डेफर्ड इनकम वेरिएंट अगर श्रीमान ए ने लिया होता तो अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस जो होता, अब मान लो 3% का बोनस रेट है, सम अशोर्ड है हमारा 10,00,000 रुपये का, तो कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस हो गया यहाँ पे, तो 10,00,000 का 3% निकाल के अगर हम उस पर पिछले 3 साल का, मतलब 3 साल प्रीमियम पे करा है तो 3 साल के लिए निकालेंगे अगर कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस, तो 92,727 रुपये हो जाते जो कि श्रीमान ए को यहाँ पे मिल जाते प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होते ही। अगर श्रीमान ए ने इसको पेड अप एडिशन में कन्वर्ट किया होता तो यहाँ पे जब प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद में जो ये कैश, ये जो इनका कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस था जो पेड अप एडिशन में कन्वर्ट हो गया होता, उसका 1% मिलता उसके ऊपर बोनस के रूप में। तो हम इसको कर लेते हैं पेड अप एडिशन में कन्वर्ट, 1.51 का गुणा कर देते हैं 92,727 में, तो 140,000 से ऊपर का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। 3% का अगर हम बोनस रेट मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं जो कि मान के चल रहे हैं, तो सर्वाइवल बेनिफिट यहाँ पे 140,000 का अगर हम 3% निकाल लेंगे तो यहाँ पे 4,200 से कुछ पैसे यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएंगे। किनको? श्रीमान ए को, कब? जब प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो चुका होगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, ये होगा सर्वाइवल बेनिफिट रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के केस में। अब बात आती है यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। अगर मान लीजिए पॉलिसी चलती रहती और भाई 85 साल तक तो नहीं, उससे पहले अगर डेथ हो जाती तो क्या मिलता? अगर श्रीमान ए ने इमीडिएट इनकम वेरिएंट लिया होता तो 3,00,000 रुपये क्योंकि पेड अप सम अशोर्ड यही था, 135,900 रुपये क्योंकि पेड अप एडिशन अगर किया होता तो ये मिल जाता, अगर नहीं किया होता तो बेसिक सम अशोर्ड जो यहाँ पे 3,00,000 रुपये का जो आ रहा है पेड अप सम अशोर्ड प्लस टर्मिनल बोनस ये मिल जाता। अगर डेफर्ड इनकम वेरिएंट लिया होता और 3 साल ही प्रीमियम पे किया है तो ऐसे में जो पेड अप सम अशोर्ड ऑन द डेथ है जो कि 3,00,000 रुपये का है वो, और अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी जो बोनस है राइट वो ये मिल जाता, ठीक है, जो कि हमारा 92,727 रुपये था, ठीक है, ये मिल जाता 3,92,727 रुपये। लेकिन अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो चुका होता राइट, उसके बाद में डेथ होती रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के केस में, तो 3,00,000 रुपये यहाँ पे हमारा आया है पेड अप सम अशोर्ड ऑन डेथ, ठीक है, और 140,017 रुपये हमारा यहाँ पे आ रहा था पेड अप एडिशन, ठीक है जी, और टर्मिनल बोनस ऐड होकर के मिल जाता, इस तरीके से बेनिफिट मिलता। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी, और अगर अभी टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के आराम से देखिएगा तभी आप क्लियरली समझ पाएंगे। अब श्रीमान ए बोले चलो ठीक है रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का मुझे पता चल गया, अगर मैं पॉलिसी को सरेंडर करता हूं तो क्या? तो कंडीशन होती है कि 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर चुके हैं तो ही सरेंडर कर सकते हैं। गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू में से जो हाई होता है वही मिलता है। रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के केस में स्पेशल सरेंडर वैल्यू जो होती है वही मिलती है राइट, ये नहीं देखा जाता कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू क्या होगा क्योंकि दोनों में कंपैरिजन तो होगा, लेकिन जब पॉलिसी चली ही नहीं रही है रिड्यूस पेड अप पॉलिसी होगी तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू फैक्टर वहां पे इंप्लीमेंट होता है। अब गारंटेड सम अशोर्ड वैल्यू ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म, इसका फॉर्मूला है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा कर देंगे प्रीमियम के लिए जितना प्रीमियम पे किया है, फिर बोनस फैक्टर है यहाँ पे सरेंडर वैल्यू के लिए जो कि कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस अक्योर्ड में गुणा कर दिया जाएगा, ये ड्यूरिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म है। लेकिन मान लीजिए कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में अगर हम सरेंडर कर रहे हैं पॉलिसी को और डेफर्ड इनकम ऑप्शन लिया है तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर प्रीमियम उसका गुणा करेंगे जितना प्रीमियम पे किया गया है, फिर उसमें से हम घटा देंगे सर्वाइवल बेनिफिट जो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में पे किए गए हैं, ठीक है, और उसमें जोड़ दिया जाएगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर गुणा किया जाएगा पेड अप एडिशन में, ठीक है, क्योंकि जो पेड अप एडिशन होगा उसके लिए भी सरेंडर वैल्यू फैक्टर अलग से है, दोनों को जोड़ देंगे जो अमाउंट आएगी वो मिल जाएगी सरेंडर वैल्यू के रूप में। देखिए फॉर्मूला समझ जाते तो चीज़ें आसान हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ लिख के, वरना बर्वली भी बता सकता था। अब अगर आपने इमीडिएट इनकम ऑप्शन यहाँ पे लेते तो क्या होता जी, गारंटेड सरेंडर वैल्यू प्रीमियम फैक्टर का गुणा करते टोटल पेड प्रीमियम में, और जितना सर्वाइवल बेनिफिट पे किया जा चुका होता सरेंडर की डेट तक वो घटा दिया जाता। उसके बाद अगर जो बोनस है वो पेड अप एडिशन में कन्वर्ट किया गया होता
तो उसका एक जो फैक्टर होता है अलग से सरेंडर वैल्यू फैक्टर, उसका वो निकाला जाता अमाउंट और जोड़ दिया जाता, टोटल अमाउंट मिल जाता। अब मान लीजिए श्रीमान ए की उम्र हमारे 35 साल की, हम जानते ही है, पूरा एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। अब श्रीमान ए सोच रहे हैं कि अगर मैं डेफर्ड इनकम ऑप्शन मेरे पास होता, क्योंकि उदाहरण के तौर पर समझ रहे दोनों चीज़ें समझ नहीं, इस वजह से हम ऐसे बात कर रहे हैं, और मैं पॉलिसी को अगर सरेंडर कर देता तो मेरे को यहाँ पे सरेंडर वैल्यू के जो फैक्टर हैं वो क्या मिलता और बेनिफिट क्या होता। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि 3 साल लगातार प्रीमियम पे कर दिया, इसका मतलब 3 साल पूरे हो गए हैं, और हमको पता है कि अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस जो है हमारा 92,727 है, टोटल प्रीमियम 3 साल में हमने 262,000 से ज़्यादा पे किया है। तो ऐसे में जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो प्रीमियम के लिए है वो 35% और जो बोनस के लिए है वो 26.32%। सारी अमाउंट हमें पता लग गई हैं, तो अब हम इनको फॉर्मूले में एंटर कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो फैक्टर है प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए वो है 35%, टोटल प्रीमियम हमने पे किया 262,410, और 26.32% हमारा जो कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है उसके लिए हमारा यहाँ पे ये सरेंडर वैल्यू फैक्टर है, और जो कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है 92,727 है। निकाल लिया वैल्यू, अब हम इनको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे श्रीमान ए को 116,000 से ज़्यादा का अमाउंट मिलता अप्रॉक्सीमेटली, अगर वो पॉलिसी के 3 साल कंप्लीट होने पे यहाँ पे कर देते हैं पॉलिसी को सरेंडर। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस की, ये डेफर्ड केस में ही होता है, ये अगर इमीडिएट इनकम ऑप्शन लिया होगा तो उस केस में ये नहीं होता। उस केस में क्या होगा, इमीडिएट इनकम केस में सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा कर देंगे टोटल प्रीमियम पेड में और अमाउंट निकल के आ जाता। तो इस केस में 91,843.50 रुपये सरेंडर वैल्यू हो जाती अगर इमीडिएट इनकम ऑप्शन होता। लोन की बात करें तो सरेंडर वैल्यू का 70% तक लोन मिल सकता है श्रीमान ए को यहाँ पे, और 8% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता। रिवाइवल पीरियड इनको 5 साल का मिलता, राइट, और फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का अगर डायरेक्ट पॉलिसी इन्होंने ली होती, अगर इनडायरेक्ट ली होती तो 30 दिन का इनको फ्री लुकअप पीरियड मिलता। बात करते हैं लैप्स की। देखिए अगर सरेंडर वैल्यू प्लान की अक्योर्ड नहीं हुई है, मतलब 2 साल आपने प्रीमियम नहीं पे किया लगातार, उससे पहले ही आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है, तो ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। आई होप ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो कि पूरी तरीके से आपको प्लान समझाने के लिए, इस वजह से अब हम 2 भागों में वीडियो बना रहे हैं आपके सजेशन के अनुसार। आपने